ऐसा कमरा ना भाई आपके बाप दादाओं ने भी नहीं देखा होगा, क्योंकि मेरे ने तो बिल्कुल नहीं देखा था भाई। ये देखो भाई कितनी हाइट पे खड़े हैं आप, इसका रेंट जानगे ना होश उड़ जाएंगे, आपके होश उड़ जाएंगे। ये देखिए जी कितनी हाइट पे है जी, और ये साउथ चाइना सी है। यहाँ पे ये इसका वॉशरूम है जी, देखो कैसा वॉशरूम है, बिल्कुल पूरे का पूरा कमरा कांच का है, आपको दिखाएंगे। ये देखो जी इसमें बंदा जो बैठता है ना वो भी सरेआम दिखता है, यहाँ पे सिस्टम सारा ठीक है ना, बच ही नहीं सकते। इधर आप मेरे को देख सकते हैं, और इधर ये देखिए जी पूरा कांच ही कांच है, कांच ही कांच है। ये देखो ये पर्दे, पर्दा लगा रखा है, पर्दे को हटा देंगे इधर भी कांच है। इधर ये बेडरूम, बस ये एक दीवार है सिर्फ इस तरफ। हमीर जी क्या कर रहे हो, क्या छिपा रहे हो हमसे, इधर आओ रूम दिखाओ आप हमें अच्छे से। ओपन है जी, ओपन है, ओपन है जी, ओपन है, सब कुछ ओपन है यहाँ पे। कैसे नहाते हो भाई आप इसमें? इसमें सर नहाने के लिए सब कुछ है। हाँ माइक पकड़ो पहले तो, नहाने के लिए पकड़ो, कैसे है, कैसे नहाएगा बंदा? कैसे नहाएगा बताओ, नहाने के लिए पूरा आपको नहा कर नहीं दिखाऊंगा मैं, नहा कर नहीं दिखाऊंगा प्रॉपर, ये नहा कर दिखाओ तो तब माने। पर्दा लग जाता है आप आराम से सारे का सारा, ठीक है ये अच्छा वो से फंस गया सर जी, बंद हो जाता है। अच्छा जी ऐसे बंद हो जाता है ये जी जी जी। फायदा क्या है इसका? फायदा सर देखो, बाहर बंदा आता है घूमने के लिए ना, तो फ्रेश बाइक लेने के लिए आता है, पीस लेने के लिए आता है। तो जब हम बाहर ट्रेवल करते हैं तो हमारे को यही होता है कि यार कुछ काम से दूर, बिजनेस स्ट्रेस से, फैमिली से, या फैमिली को साथ भी कोई लेके आते हैं एंजॉय करने के लिए, तो पीस ही चाहिए। अगर आपको ऐसा रूम मिल जाएगा तो आपका बाहर चाहे घूमो ना घूमो, आपको यहाँ बैठे वो फील आ रही है। आप यहाँ पे बालकनी में आके देखो हवा, बिल्कुल बिल्कुल। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, माइक अच्छे से नहीं लगा, कहीं आप बाहर गिरा दो, क्योंकि बाहर जो व्यू है ना आपको हाथ में पकड़ दो, फेस मूव कर दो, बाहर जो व्यू है ना वो बहुत जबरदस्त है। अभी आप देखो जी, खुद देखो, जो वीडियो से देखा शायद कम ना देखे, अभी आप पहले देखकर फील बताओ लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखो भाई मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। ये देखो भाई इधर से व्यू स्टार्ट होता है, देश का नाम है वियतनाम। आपको किराया भी बताएंगे इसका, कितने लाख करोड़ रुपए इसका किराया है एक रात का। भाई साहब हाइट दिखाइए आप, बिल्कुल कहाँ पर हो आप? हाइट हाइट दिखाते हैं, हाइट तो बहुत है भाई। ये देखो भाई भाई 12वें माले पे खड़े हैं, 12वें माले पे। दर्शन जी एक चीज होती है वहां पर ना, हर रोज सुबह और शाम बारिश होती है, देखिए अभी बारिश हो रही है वहां पर, वो देखिए भाई। यहाँ पे बादल भी हैं, बादल भी साफ हैं, पहाड़ भी मिलेंगे, बारिश भी मिलेगी, बारिश समंदर का किनारा भी मिलेगा, सब कुछ है भाई यहाँ पे, सब कुछ मिलेगा। ये वियतनाम देश का नजारा है भाई, वियतनाम देश का, जिस ये देशवास की काफी सारी खास बातें हैं। इन्होंने अमेरिका वालों को भी धूल चटाई है पूरी की पूरी, और आप देखिए हौसला हौसला बहुत तगड़ा, इन्होंने कभी हौसला नहीं हारा। ये बहुत कमाल की जगह है भाई वियतनाम में ना, आप अगर इंडिया में हजार पति है ना तो यहाँ पे करोड़पति हो आप, क्योंकि इंडिया का एक रुपया यहाँ का 305 रुपए होते हैं, यहाँ के 305 है इंडिया, यानी कि इंडिया में आप 1 लाख रुपए रखते हो ना तो यहाँ पे आप 300 करोड़ रखते हो। हाँ इंडिया में अगर आपके पास 1 लाख है ना तो आपके यहाँ आपके पास 3 करोड़ रुपए है, तो आप अमीर हो जाते हो। आप गुरप्रीत जी अमीर हुए कि नहीं हुए? अमीर हो गए भाई साहब। कितना पैसा रखते हो आप? पैसे ही पैसा है यार यहाँ पर, पैसा ही पैसा है, पैसे ही कोई दिक्कत नहीं है। लो भाई ये कमरा जबरदस्त है भाई, ये देखो कमरा पूरा कांच का बना हुआ है, ये एक पिलर है बस बीच में। फिर से आपको दिखा देते हैं, ये बड़ा सा टीवी है, बड़े से टीवी को आप इधर बैठ के देखिए। मेरे को तो वॉशरूम बहुत बढ़िया लगा यार, ऐसा वॉशरूम आप ये देखिए, यहाँ से भी ऊपर है। अच्छा इधर से ऊपर है, ये तो क्या है, अगर आपको रात को एसी नहीं ना ऑन करना तो यहाँ से हवा आएगी फ्रेश, आपको यहाँ से आएगी उधर को जाएगी, है कि नहीं? बढ़िया माहौल है गुरु यार, ये भी बढ़िया माहौल है, एक नंबर में, समुद्र का किनारा है, बहुत जबरदस्त है भैया। और सारा सारी रात सारे दिन यानी 24 घंटे यहाँ पर मैंने एक चीज देखी है, हवा चलती रहती है, हवा नहीं रुकती यहाँ पर, बिल्कुल कमाल की बात है भाई। इधर से शहर का नजारा बहुत बढ़िया है, शहर का नजारा, 2500 से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाई, राम राम सभी को। देसाई देवाजी गुड मॉर्निंग, नजीब खान भाई गुड मॉर्निंग। ये देखो भाई क्या वॉशरूम है यार, मैं तो सोच रहा हूँ अगर बंदा वाइफ के साथ आए फिर तो ठीक है, या फ्रेंड हो कोई तो, अदरवाइज तो बड़ी दिक्कत है नहाने की, अगर चार दोस्त हो नहाने वाले तो नहाने ना दे उसको, सही बात नहीं अमीर जी? नहीं नहीं वो मैंने वीडियो में दिखा दिया कैसे आप नहा सकते हो, लेकिन सभी भाइयों को एक बेनती है कि ये काम नहीं खत्म होते, ये झंझट नहीं खत्म होते, बाहर निकले, दुनिया घूमे, देखो लोग कहाँ पहुंच गए, दुनिया कहाँ पहुंच रही है, और वो भी सस्ते में, वो भी सस्ते में, बहुत सस्ते में। अगर हम शिमला जाते हैं, मनाली जाते हैं, गोवा जाते हैं तो भी हमारे 50,000 60,000 70,000 रुपया बंदा लगा देता है,
और इस देश का सबसे बड़ा ये फायदा है कि ये टूरिज्म फ्रेंडली है, ये टूरिज्म को प्रमोट कर रहा है, तो आपको जो व्यू, जो बजट, जो लग्जरी यहाँ पे मिलेगी ना, वो कहीं और ऑल ओवर द वर्ल्ड नहीं मिल सकती है। लो जी, इसको पास में रखो और बोलो पीट चीमा साहब जिंदाबाद। पीट चीमा साहब जी की जय, जिंदाबाद। पीट ट्रांसपोर्ट वाले जिंदाबाद। पीट ट्रांसपोर्ट वाले जिंदाबाद। 200 स्टार भेजे हैं भाई ने, 200 अरब स्टार, 200 ट्रिलियन स्टार भेजे हैं भाई ने हमारे। तो यहाँ फिर आप देखो कितनी मदद कर रहे हैं, लाखों हो जाएंगे यहाँ। अब किराया भी बताओ, यहाँ कितने लाख करोड़ रुपए किराया है इस कमरे का वियतनाम के अंदर? सर यहाँ पे 25-26 लाख रुपए आराम से होगा। 25-26 लाख रुपए किराया यहाँ का? छोटी बात है, 25-26 लाख। 25-26 लाख रुपए यहाँ पे किराया? जी 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 जी। 25-26 लाख कोई ज्यादा नहीं होता, इंडिया का तो कम ही होता है। यहाँ का 25-26 लाख है और इंडिया का होगा ये मान के चलो 8-10 हजार रुपया। हाँ हाँ हाँ, इंडिया का 10 हजार रुपया होगा। इंडिया के 10 हजार आपको तो हमीर जी सस्ते में देंगे। आप हमारे व्यूअर के लिए क्या सर्विस रखते हो? 10 हजार का कमरा कितने में दोगे आप? सर्विस की बात नहीं है सर, बात होती है पूरे के पूरे पैकेज की, है ना। बंदा रूम ले लेगा लेकिन जाएगा कहाँ, कैसे घूमेगा? ऐसा शानदार देश घुमाने का और ऐसा यहाँ पर घूमने का कितना खर्चा लेते हो? पैकेज कितने रुपए पर बंदा है? सर हमारे पास जो भी पैकेज है, हमारे पास जो भी ग्रुप आया, आपको नेक्स्ट वीडियो में भी दिखाएंगे, वो हम 42 पीपल टोटल आए हैं, तो सारे का सारा खर्चा टिकट का, वीजे का, यहाँ लग्जरी होटल में रहने का, घूमने का, हमारी बस नीचे एसी बस खड़ी है, उसमें पानी की बोतल भी हमारी तरफ से है। सारे बंदे ने कुछ नहीं करना है, बस बस में बैठना है, जहाज में बैठना है, भाई जिम्मेदारी सारी हमारी है। तो हमने 36,000 में सारा क्या सारा पैकेज उनको दिया है, 5 दिन का खुला पैकेज। अगला पैकेज कब है सर? अगला पैकेज सर जब हमारे भाई जुड़ जाएंगे उसी टाइम ले आएंगे हम उनको, कोई बात नहीं है, कोई चिंता नहीं है। लेकिन हमारे को बोल रहे थे कि भाई ये फ्रॉड तो नहीं कर रहे कि जो 80,000 का पैकेज है वो 36,000 में कैसे दे दिया? तो भाई साहब ये होती है एक ईमानदारी, एक कला। हम चाहते हैं कि पैसा बन जाता है लेकिन जो मजा आता है ना जिंदगी जीने का, वो नहीं मिलता बंदे को दोबारा। सही बात है भाई, सही बात है। लठगाड़ दिया लड़के ने। हरजीत रंधावा साहब, कौन सी कंट्री है? कंट्री का नाम है जी वियतनाम। देश बहुत जबरदस्त है भाई, बहुत जबरदस्त देश है और बहुत ही सस्ता है, बिल्कुल चिल्लर में आप घूम सकते हैं जी। वहां इंडिया का 1 लाख रुपए यहाँ पे करोड़ों हो जाता है आपका, और आप आराम से घूम सकते हैं यहाँ पे, बढ़िया नजारा ले सकते हैं, फीलिंग बढ़िया वाली ले सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मोहम्मद उस्मान साहब ने भेजे 6,000 अरब स्टार, वो भी नकली वाले, लेकिन दिल असली था भाई का। ठीक है, प्यार है उनका। राजेश कुमार कह रहे हैं भाई जो नाम, जो स्टार नहीं भेजते उनका नाम नहीं आप लेते। राजेश कुमार जिंदाबाद, आपका भी नाम ले दिया अभी, बेशक आपने स्टार नहीं भेजे, थैंक यू आपका। कुछ तो बोलो मेरी जान। अरे क्या बोले यार, ये देखिए यार माहौल, देखिए बाहर आके यार। सैयद यूसुफ साहब, ये कंट्री का नाम है जी वियतनाम, जो कि बहुत ही सस्ती, सुंदर, बहुत बढ़िया, जबरदस्त लोग है भाई यहाँ के। यार हवा देखिए, हवा शहर दी, हवा भी हुई साढ़े वाले दी, शहर दी हवा भी हुई। शिव कुमार सिंसवार साहब ने 1 लाख स्टार भेजे हैं, वही वाले नकली वाले, लेकिन प्यार वाले, प्यार वाले, प्यार वाले स्टार भेजे हैं भाई ने। भगवान आपको और तरक्की दे, आप असली वाले भेज रहे, बाय बाय कर रहे हैं। यहाँ पर एक दिक्कत है, यहाँ पर ना ज्यादातर ना नॉन वेजिटेरियन फूड मिलता है। लो जी, वो हर बार कंट्री का ही है। लो भी गुरप्रीत जी, पीट भाई खड़े हो उसके भाई। अब आपको होटल दिखा देते हैं, कितने शानदार होटल में रखा है गुरु इन्होंने भाई, कमाल कर दिया लड़के ने, कमाल कर दिया। चलो बैग उठाओ भाई, चलते हैं। ठीक है, चलते हैं भाई। ठीक है, ओके भाई साहब, सभी को। शायद अनवर साहब, प्लीज कॉल मी नेम, शायद अनवर साहब जिंदाबाद। अमरजिंग हमारा भाई फार्मिंग साहब जी, थैंक यू। अंकुश साहब थैंक यू। ओम प्रकाश पूछ रहे हैं भाई 36,000 का पैकेज कितने दिन के लिए है? 5 दिन का खुला सर, 5 दिन का खुला पैकेज है भाई, 5 दिन का खुला पैकेज। मजा आ गया मेरे को तो पैकेज में देख के। ठीक है भैया, भाई साहब आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, स्पेशली धन्यवाद पीट चीमा साहब का, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। शीशे साफ होते हैं भाई, इतने बड़े बड़े शीशे बेचा गया, शीशे साफ होते हैं। ये तो क्वेश्चन मैं